अच्छा, मेरे को खाली एक सवाल पूछना था, कभी ऐसा आपके साथ में हुआ है क्या कि आप लोग पेपर देने गए हो, हिस्ट्री का और साइंस का पेपर निकल गया हो? ऐसा मेरे साथ आज हुआ है ऐसा। मेरे को केडी बहन बोला था हिस्ट्री का पेपर है, मैं हिस्ट्री का पढ़ के आया था, साइंस का पेपर निकला है। तो चलो अभी फेल हो जाऊँ तो आज कुछ बोलना मत मेरे को। अच्छा, मेरे को खाली इतना बोलो कि यहाँ पे कितने लोग शादीशुदा है? अच्छा, तुम्हारे घर पे तो है ना कोई शादीशुदा? घर पे भी नहीं है कोई? अच्छा 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 तो अभी जिनके घर पे है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनको तो शायद रिलेट होगा, और जिनके घर पे नहीं है उनको क्या एक आज एग्जाम हो जाएंगी, ऐसा समझो ट्यूशन हो जाएंगी तुम्हारा। तो अब खाली इमेजिन करो, मेरी शादी हुई सर, शादी का दूसरा दिन मैं सुबह रूम से बाहर निकला, घर वाले सामने खड़े थे, बच्चा, शादी को 24 घंटे हुए थे, ऐसे टाइम पे लोग क्या मांगते हैं? मिठाई? ये क्या मांग रहे थे? बच्चा? कौन थे ये लोग, कहाँ से आए थे? ये वो लोग थे जो मेरे पैदा होने पे कंप्यूटर पे वो कंट्रोल जेड मार रहे थे, कंट्रोल जेड पता है ना, हाँ, अंडू मार रहे थे। उनको लगा ऐसा करने से मैं वापिस चला जाऊंगा। वो तो नर्स थी, बोले क्या करो, बोले नहीं चाहिए पप्पा, बहुत शुअर। वो तो डॉक्टर गुजराती था, अच्छा उन्होंने बोला पढ़ो क्या लिखा है, तो वहां पे लिखा था कि भाई बेचा हुआ माल वापिस नहीं लेते। मैंने पापा को बोला पापा वी वांट सम टाइम, एक दिन हुआ है। तो बोले ठीक है, एक साल दिया, 3 महीने बाद वापिस आए, बोले बच्चा। अब पहली बात तो है ना, मेरे को इनका एटीट्यूड अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से लोग बच्चा मांग रहे थे ना, बच्चा कम हफ्ता ज्यादा लग रहा था। मैंने बोला आपने मेरे को बोला था कि एक साल देंगे, तो मम्मी बोलती 9 महीने प्रेगनेंसी के काउंट करके बोले थे। कैलकुलेशन देखो इनका, 1.5 साल हो गया, देयर वॉज नो गुड न्यूज। इन्होंने मेरे को गिरनार की 10,000 सीढ़ियां 3 बार चढ़ाई, वैष्णो देवी भेजा, अहमदाबाद टू अंबाजी पैदल भेजा। मैंने बोला इतना टाइम अकेला भेजते तो हो जाता। अब फाइनली 20 दिसंबर 2018 को हम पता चला कि शी इज प्रेग्नेंट, हम सब लोग खुश हुए। आपको ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा ना? हाँ, क्योंकि आगे डिलीवरी भी होने वाली है। तो अभी हम खुश थे, अभी क्या है, हम डॉक्टर के पास गए। अभी तुम लोगों को पता नहीं, तुम लोगों के लिए प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, मगर जो शादीशुदा है उनको पता चले कि प्रेगनेंसी 3 ट्राइमिस्टर होते हैं, हर ट्राइमिस्टर 3 महीने का। अब डॉक्टर मेरे को क्या बोले, देखो बोले फर्स्ट ट्राइमिस्टर इज वेरी क्रूशियल, ये निकल जाए बच्चा बाहर। मैंने बोला 3 महीने में? नहीं, बोले अरे बाद में आसान है। मैंने बोला ठीक है। अब वो 3 महीने में मेरी जो वाइफ थी वो अब्बास मस्तान के जैसा बिहेव कर रही थी, रोज नया ट्विस्ट, आज ये हो रहा है कल वो हो रहा है। अब जैसे जैसे हमने 3 महीने निकाले, मैं डॉक्टर के पास गया, मतलब डॉक्टर फर्स्ट ट्राइमिस्टर हो गया, तो बोले बस फर्स्ट ट्राइमिस्टर हो गया, बोले अब पता चला। मैंने बोला एक एक दिन याद है, मतलब रोटियां घर के बाहर जाके बनाता था क्योंकि उसको उल्टी होती थी। तो बोले सर अभी क्या है कि सेकंड ट्राइमिस्टर आपको पता भी नहीं चलेगा, सेकंड ट्राइमिस्टर में क्या है कि बच्चा मुंह होता है। मतलब क्या होता है? तो बोले बच्चा मुंह होता है। मैंने बोला देखो मैडम आप गायनेकोलॉजिस्ट हो, मेरे को पता नहीं, मगर जितना आप मुंह हो रहे ना उतना तो बच्चा मुंह नहीं छोता होगा। तो बोले टेंशन मतलब हो जाएंगे। अभी पूरे 9 महीने में सबसे ज्यादा अगर आपसे कोई झूठ बोलता है तो वो सोनोग्राफी का डॉक्टर, वो हर थोड़े टाइम में ऐसा कोई यहां पे करता है और मेरे को बोलता है कंप्यूटर में दिखा 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 क्या, हाँ दिखा, कुछ नहीं दिखता है। मैं 3 बार आंखों के डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला दिख नहीं रहा है, बोले क्या नहीं दिखा, मतलब बच्चा नहीं दिख रहा, बोले पूरा बच्चा नहीं दिख रहा। मैंने बोला नहीं वो सोनोग्राफी की उसमें नहीं दिखा, अरे बोले मेरे 3 हो गए मेरे को आज तक नहीं दिखा, बोले। अभी थर्ड सोनोग्राफी थी, हम लोग सोनोग्राफी करने गए तो डॉक्टर हमारे को बोले ट्विंस है। बोले ट्विंस? वाइफ मेरे तरफ देख रही, बोले घर वालों के प्रेशर में ओवर परफॉर्म कर गए तुम। मैं टेंशन में, मैंने बोला ठीक है अब हम आगे बढ़े। अब जैसे ही आगे बढ़े, आप कितने भी बड़े बुद्धिजीव हो आपको पता ना चले डिलीवरी कब आने वाली है। हमारा अच्छा था, हम एक दिन पहले भर्ती हो गए थे,
अब आज आज डिलीवरी करनी है, डॉक्टर ने मेरे को अपने कमरे में बुलाया, कमरा मतलब उसका वो क्या, हाँ उसके घर पे क्या, हाँ कैबिन में बुलाया मेरे को, मेरे को बोलती है कि बोले मिस्टर बरालिया बोले डिलीवरी कब करनी है। मतलब मैं मतलब मेरे को नहीं पता, वो तुम लगाओ मतलब वो देखा मेरे को नहीं पता, मतलब नहीं नहीं बोले अभी क्या है कि राहु कार चल रहा है, बोले इसके बाद में लाभ आएगा, उसके बाद में शुभ आएगा, शुभ में करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने बोला आप समझा मैं, तो बोले क्या, मैंने बोला मैं राहु कार में होऊंगा इसलिए घर वाले कंट्रोल जड़ मार रहे थे। तो बोले क्या, मैंने लगा नहीं कुछ नहीं आप बच्चा निकालो, बोले सर इट्स डिलीवरी, बोला ओ सॉरी। अभी क्या है कि वो सीजर था, सीजर आपको नहीं पता ना, हाँ तुम्हारा, हाँ वो सी सेक्शन होता है, तो मेरे को ऐसा अंदर पुश पुश ऐसा करने नहीं ले गए थे, मैं बाहर वेट कर रहा था पापा के साथ। अब मेरे मन में वो सवाल आया, मैंने पापा को पूछा, मैंने बोला पापा शादी हो गई बच्चे हो गए अब क्या करना, तो बोले अब सहन करना। मैंने बोला क्या बात कर रहे, ऐसे तो बच्चे सर पे चढ़ जाएंगे, बोले वही तेरे को मैं पिछले 28 साल से समझा रहा। उतने में वहां से डॉक्टर आया, बोले सर सर गुड न्यूज। मैंने बोला क्या हुआ, बोले ट्विंस हुए। मैंने बोला अबे ट्विंस थे तो ट्विंस ही हो गए ना, गवर्नमेंट काम थोड़ी है रातों रात एक कम हो जाएगा। मैंने बोला क्या हुआ वो बोल, तो बोले सर एक लड़का एक लड़की। मैंने पापा को बोला, मैंने देखा दोनों हाँ एक ही बार लड़का लड़की, तो बोले लेकिन बोले एक प्रॉब्लम है। मैंने अरे बाप रे क्या प्रॉब्लम, तो बोले पता नहीं बोले दोनों बच्चे बाहर आके कंट्रोल जेड चिल्ला रहे। थैंक यू दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।